दोस्तों, बीते दिनों बांग्लादेश के अंदर अलग अलग तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तमाम न्यूज चैनलों पर आपने देखा होगा कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर अशांति फैली हुई है। वहां पर वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंसा हो रही है। और ये पूरा जो मामला है, ये मामला जून 2024 के कोर्ट के एक फैसले से हुआ था, जो कि कोटा यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर उठा था, जिसके विरोध में यहाँ के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया था। लेकिन यह बात यदि आरक्षण के प्रति विरोध प्रदर्शन की होती तो इस तरह के हालात बांग्लादेश के नहीं होते। इस विरोध प्रदर्शन की यह खौफनाक तस्वीर देने में यहाँ के कट्टरपंथी समूहों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अब थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्नों को पलटकर इसके एक रूप पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था तो उस गुलामी से लड़ाई करने के लिए सभी वर्गों, सभी कौम के लोग, सभी धर्म के लोग ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ देश आज़ाद होने के बाद में कि एक और देश बनने की ज़रूरत हो गई, एक और देश बनाने की बातचीत हो गई, एक और देश बनाने की मुहिम छिड़ गई। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है ना, हर धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाइयों का धर्म हो, कुछ ना कुछ कट्टरपंथी लोग हर धर्म में होते हैं। और इस्लामिक जो है, जो धर्म है, उसमें कुछ कट्टरपंथी लोग ज़्यादा ही हैं, और इस कदर से कट्टरपंथिता है कि उसमें ये लोग जो है ना, देश को बांटने तक का भी सिस्टम बनाने को तैयार हो जाते हैं। देश को बांट दिया, और बांट कर आज की डेट में दोस्तों, जो अखंड भारत हो सकता था, जहाँ पे एक समृद्धशाली देश हो सकता था, उस देश के आज वर्तमान में तीन टुकड़े हो चुके हैं। और दोस्तों, इस देश के तीन टुकड़े होने के बाद भी अभी इन कट्टरपंथियों के जो कलेजे में ठंडक नहीं पहुँची है। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश के अंदर चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के तमाम वीडियो भी आ चुके हैं, जहाँ पर कुछ लोग इस विरोध प्रदर्शन को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना कर इसको दिखा रहे हैं, और वहीं कुछ लोगों ने इसके विपरीत इनमें से तमाम जो वीडियो के दृश्य हैं उन्हें फेक बताया है। कितना सही कितना गलत है बांग्लादेश का ये हिंदू मुसलमान विवाद, ये तो आपको धीरे धीरे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से पहले मैं अखंड भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अखंड भारत की स्थापना मौर्य काल के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, और फिर धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से लेकर इनके पौत्र सम्राट अशोक द्वारा भी इसका और अधिक विस्तार किया गया। दोस्तों, गुप्त वंश के खत्म होने के बाद ही अखंड भारत से ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और तिब्बत भारत से अलग हो गए। इन देशों के अलग होने के बाद केवल श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही अखंड भारत का हिस्सा बचे थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत बिखरने लगा और कई देश इस दौरान स्वतंत्र हो गए। 1310 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को चोल और पांड्या के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। साल 1907 में अंग्रेजों ने भूटान को भारत से अलग कर दिया। इसके बाद 1919 में अफगानिस्तान भी भारत से अलग हो गया। साल 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली तो इस देश का एक और विभाजन पाकिस्तान के रूप में हो गया। पाकिस्तान भी भाषा की लड़ाई के चलते पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा, और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भारत की मदद से एक स्वतंत्र देश बना, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब भारत देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, अगर उस देश के तीन टुकड़े नहीं हुए होते तो आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या हाल होता। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है करीब 186 करोड़ का देश बन चुका होता, और ये आबादी जो है लगभग पूरी दुनिया की 23% आबादी के बराबर है। और दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल में ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होता भारत, अखंड भारत जो है, और जो विश्व है, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश बन जाता ये, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 43,17,636 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता तीनों देशों का मिलाकर। तो समझ सकते हैं कि भारत एक विश्व में एक महाशक्ति के रूप में होता आज के लिए।
और दोस्तों अगर समुद्री तट के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करी जाए तो अखंड भारत जो ये अविभाजित भारत जो होता ये करीब दुनिया का 15वां सबसे बड़ा समुद्री इलाके वाला देश बन गया होता। तो इस तरह से दोस्तों भारत के 229 और पाकिस्तान के 800 और बांग्लादेश के 3 पोर्ट्स मिलाकर कुल जो अविभाजित भारत के पोर्ट्स होते वो 240 इसकी संख्या हो जाती। दोस्तों इस विभाजन से तीनों देशों के जो सैनिक हैं उनका कितना नुकसान हुआ, 32,685 सैनिक करीब जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। और अगर ऐसा विवाद नहीं होता बंटवारे का तो ये सैनिक नहीं मारे जाते दोस्तों। 1947 से लेकर अभी तक करीब 4 बार युद्ध हो चुका है। पहला युद्ध 1947 में हुआ, कश्मीर युद्ध, जिसमें कि 7100 सैनिक करीब मारे गए, और 1965 की जंग में करीब 9000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो शहीद हो गए दोनों तरफ के। इसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तब करीब 11,800 से भी ज़्यादा सैनिक जो है वो शहीद हुए। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ जिसमें करीब 4600 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। तो दोस्तों अभी तक कितना ज़्यादा सैनिकों का अभी नुकसान हो चुका है आप देख चुके हैं। अगर ये विभाजन नहीं होता तो ये सारे जो सैनिक की जो हानि हुई है वो हमारे सैनिक आज जिंदा होते या इस तरह से मारे नहीं जाते। और दोस्तों अगर कपड़े उद्योग की बात करी जाए तो अगर ये देश भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों देश अलग नहीं हुए होते तो आज जो है ये तीनों देश मिलाकर जो अखंड भारत होता वो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का देश होता। और चीन के बाद यदि आज के बांग्लादेश की बात करें तो चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत आज जो है वो 4थे नंबर पर है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े के व्यापार के मामले में भी भारत आज बहुत आगे होता। तो दोस्तों मैंने इतिहास की चर्चा इसलिए की क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर आज ये हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे अतीत से भी जुड़ा हुआ है। और एक बार अतीत से भी कुछ सीखते चलें और आज़ादी के जो 77 साल हैं आज़ादी से लेकर अभी तक जो हमने खोया है, आपने देखा कि पिछले 77 वर्षों में इन तीनों देशों में कट्टरपंथियों ने हम सभी के बीच नफरत के बीज बोकर कभी आरक्षण का लालच एक पक्ष को देकर अपनी तरफ किया और दूसरे पक्ष में नफरत के बीज बोए, तो कभी धर्म की कट्टरता के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इस विभाजन को अंजाम देने में देश के कट्टरपंथियों का हाथ तो रहा ही है, साथ ही विदेशी ताकतों का भी हाथ ज़रूर रहा होगा क्योंकि आज का भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और तेजी से विकास की ओर अग्रसर होने का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। और इससे जो पश्चिम के जो शक्तिशाली देश हैं आज सुपर पावर का दर्जा लिए बैठे हैं उनको ये डर है कि हिंदुस्तान जिस गति से आगे बढ़ रहा है कहीं जल्द सुपर पावर बनकर विश्व पर राज न करने लगे। और यदि ये तीनों देश भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश ये आपसी संबंध इनके अच्छे हो गए और ये तीनों देश एकजुट हो गए तो भी भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे ऐसा लगता है जो इन तीनों देशों के अंदर आतंकवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर देश के अंदर अशांति फैलाने का कार्य होता रहता है उसमें इन शक्तियों का भी हाथ हो सकता है। तो मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी जिस भी देश में रहते हैं अपने आसपास के लोगों से प्रेम बांटे, चाहे वो किसी भी धर्म व कौम से हो, किसी भी जाति से हो, आप नफरत के बीज न बोएं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें और अपने जीवन का कीमती समय जो है ना वो अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को आगे ले जाने में लगाएं। यही आपसे हमारे जो है वो विनती है। तो दोस्तों आज की बात को विराम देते हुए मैं संजीव दुबे आप सभी से इजाज़त लेता हूँ, विदा लेता हूँ और अगले फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।